बिल्कुल मुनासिब और बिल्कुल सही बात है जो प्रोफेसर खालिद साहब ने कहा कि लोग अपनी मसरूफियात और केयरलेसनेस और क्योंकि इस झंझट में जाना नहीं चाहते, इस वजह से किसी की जान को जाने देते जो हरगिज़ वापस नहीं आने वाली। कुरान की आयत आपने बिल्कुल सही पढ़ी, सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने यह भी कहा, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ, जिसने एक जान को बचा लिया ऐसा है जैसे सारे इंसानों को बचा लिया। अब एक शख्स को ये सोचना चाहिए कि क़यामत का दिन आएगा, इंसानों को अपने किए का बदला मिलेगा, एक तरफ सारी नेकियां होंगी दूसरी तरफ सारे गुनाह होंगे, उसमें ये एक नेकी कि एक जान को बचाया जो सारे इंसानों की जान को बचाने की तरह एक नेकी है, तो वो नेकी किसी के पलहरे में आ जाए, किसी के तराजू में आ जाए तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। जिस चीज़ को लोग थोड़ा इनसिग्निफिकेंट समझते हैं या जान बचा कर चले जाते हैं, लेकिन किसी की जान बचाने से उन्हें इतनी बड़ी नेकी मिल सकती थी।